राजधानी रांची से आज एक बड़ी खबर आई, जहां काके ब्लॉक चौक पर जमीन कारोबारी अवधेश कुमार पर आज सुबह दो अपराधियों ने अंधाधुन गोलियां चलाई थी और अवधेश कुमार को 5 गोलियां लगी है और उनका इलाज अभी रांची के पल्स अस्पताल में चल रहा है। इधर इस मामले में जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक अवधेश ने पुलिस के सामने बयान दे दिया है और उन्होंने फायरिंग के लिए जमीन माफिया माने जाने वाले चितरंजन कुमार पर आरोप लगाया है। अब पुलिस को चितरंजन कुमार की तलाश है। आखिर चितरंजन कुमार है कौन, यह जानने के लिए हम सीधे मुखर करेंगे इस अपने विशेष संवाददाता अभिषेक सिन्हा की ओर, जो सीधे हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। अभिषेक जी, बताइएगा आखिर यह चितरंजन कुमार है कौन, क्योंकि अब जो है जो घायल है उन्होंने अपना बयान दे दिया है और पुलिस को चितरंजन कुमार की तलाश है। कौन है आखिरकार यह चितरंजन कुमार? तान्या, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, अवधेश कुमार को जो गोलियां लगी थी उनकी हालत अभी स्थिर है, गंभीर है, इलाज चल रहा उनका। लेकिन इसी बीच सुबह पुलिस ने उनसे जो बयान लिया था, पुलिस को बयान मिल चुका है। अवधेश कुमार ने इस हमले के लिए जमीन माफिया चितरंजन कुमार पर आरोप लगाया है। थाने आपको बता दूं कि चितरंजन कुमार जो आरोपी बने हैं वो हिनू के शुक्ला कॉलोनी के रहने वाले हैं और इधर कुछ दिनों से उनका नाम कुछ सालों में कांके रोड के सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभरा है। कांके रोड जाने के समय जब आप हॉटलिस्ट रेस्टोरेंट देखती हैं उसके पीछे जगतपुरम और उसके सामने के जितने भी एरिया हैं वो सारे खेतों पर चितरंजन कुमार का कब्जा है। पूरी दबंगई के साथ 40 से 50 लड़कों का झुंड पूरे इलाके में कब्जा किया इन लोगों ने, जमीन के कागजात बनवाए और जमीन बेच दी गई। कई जमीन आदिवासियों की जमीन भी बेची गई है तानिया। लेकिन यहाँ ये सफर बहुत रोचक हो जाता है। अवधेश कुमार जिनको गोली लगी है और चितरंजन कुमार जिन पर गोली चलाने का आरोप है, ये दोनों पहले पार्टनर थे और इन दोनों ने मिलकर वहां जमीन बेचना शुरू किया था। फिर बाद में पार्टनरशिप में खटपट हो गई जिसके बाद आज ये हमले के रूप में सामने आया है। आपको यह एक बात और बता दूं तानिया कि चितरंजन कुमार पहले LIC का एजेंट था और LIC के एजेंट से लेकर जमीन माफिया बनने तक की कहानी उसकी बड़ी रोचक है। एक छोटे से जमीन का टुकड़ा लेकर चितरंजन कुमार ने काम करना शुरू किया और आज जब आप हॉटलिस्ट के पीछे जाती हैं तो वहां ऊंचे रिहायशी मकान बने दिखेंगे, कई 4 मंजिला मकान दिखेंगे। Live 7 बहुत जल्द पूरे जमीन को पूरे एरिया को दिखाएगा। करीब 50 से 60 एकड़ जमीन से ऊपर पर इन लोगों ने काम किया है और बेशकीमती दरों पर जमीन बेची गई है। कोई भी जमीन 15 लाख 20 लाख रुपए डिसमिल के रेट पर जमीन बेची गई है, जबकि जमीन मालिकों से जमीन बहुत ही सस्ते दर पर ली गई। कई बार थानों में शिकायत गई लेकिन रसूख इतना रहा इन जमीन कारोबारियों का कि इन्होंने थाना से लेकर कचहरी तक सब कुछ मैनेज कर रखा था। आगे चलकर हम लोग चितरंजन कुमार और अवधेश कुमार के और खुलासे करेंगे। एक डबल मर्डर हत्याकांड भी खोलेंगे कि किस तरह से दो भाइयों की हत्या हुई। एक भाई असम में लापता हो गया और दूसरा भाई जो है वो उसकी हत्या नामकुम में की गई, उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन चितरंजन कुमार के बारे में आपको बता दें कि चितरंजन कुमार ने इन कुछ सालों में अपनी प्रॉपर्टी बेतहाशा तरीके से बढ़ाई है। आप अशोक नगर के ठीक सामने कश्यप विहार है जहां पर जगत पैलेस होटल है, जगत पैलेस होटल चितरंजन कुमार का है। इसके अलावा चितरंजन कुमार सूद पर पैसा देने का काम भी करते हैं। ये मूल रूप से बिहार के शेखपुरा के हथियावा गांव का रहने वाला है जहां पर व्हाइट हाउस के नाम से, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, व्हाइट हाउस के नाम से इसका चर्चित मकान बना हुआ है। संभव है कि Live 7 बहुत जल्द व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी दिखाएगा। और चितरंजन कुमार के साथ एक अच्छी बात यह है कि हथियावा गांव में जिस भी लड़की की शादी होती है हर कार्ड पर 20,000 रुपए चितरंजन कुमार के द्वारा दिए जाते हैं। ये पैसे जमीन कारोबार के पैसे हैं, जमीन दलाली के पैसे हैं, आदिवासियों की जमीन हथिया कर जो पाप हो इन लोगों बटोरते हैं उसका इन लोग पुण्य कहीं ना कहीं से पुण्य खोजने का रास्ता निकालते हैं। तान्या आपको बताऊं कि अगर हत्याकांडों की तलाश होगी तो इन जमीन में कई बार रंगदारी के और हत्या के मामले आए हैं जो दबे हैं। Live 7 धीरे धीरे हर परत उतारेगा। तान्या जी बिल्कुल, अभिषेक अगर हम बात करें चितरंजन कुमार की तो चितरंजन कुमार अब रांची में काफी जाने माने एक बिजनेसमैन की तरह भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके बिजनेस भी अब झारखंड समेत कई और राज्य में भी फैले जा रहे हैं। अगर हम बात करें उनके बिजनेस, जैसे वह उन्होंने हाल ही में एक ऐप भी शुरुआत की है और साथ साथ वह जमीन दलाली भी कर रहे, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से वह अंधे पैसे में अंधे हो चुके हैं। पैसे इतने हैं उनके पास कि अब जमीन दलाली के साथ साथ अब लोगों के मर्डर भी करवा रहे हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस के पास इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और आगे क्या कुछ जानकारी मिलने की संभावना लग रही है।
तान्या, पुलिस अपना काम कर रही है, जानकारियां बटोर रही है। इस बीच आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले कमल भूषण, जमीन माफिया कमल भूषण की हत्या कर दी गई थी। डब्लू कुजूर और उसके बेटे राहुल कुजूर पर हत्या का आरोप है। कमल भूषण, चितरंजन और अवधेश, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे लोग मिलकर जमीन का कारोबार करते रहे हैं। आपको बता दूं कि जमीन के पैसे से कमल भूषण आज पेट्रोल पंप का मालिक है, कमल भूषण का अपना गैस एजेंसी है और कमल भूषण का अपना और भी कई तरह के धंधे हैं। इसी लय पर चलते हुए चितरंजन कुमार भी बहुत कम सालों में, पिछले 7 से 8 सालों के अंदर अंदर ये फर्श से अर्श तक का सफर है। तान्या, चितरंजन कुमार के नाम से आज कई धंधे चल रहे हैं, बिहार में भी कई धंधे, कई बिजनेस इसके चल रहे हैं और रांची में भी इनके कई बिजनेस हैं। धीरे धीरे हम हर परत उतारेंगे, हर परत खोलेंगे कि चितरंजन कुमार का कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी फिलहाल अगर अवधेश कुमार की करें तो अवधेश और चितरंजन दोनों पार्टनर रहे हैं। पिछले कई अपराध ऐसे हैं जिनमें संभव है कि दोनों का साथ में नाम आ जाए। हालांकि दोनों के बीच जो मनमुटाव हुआ है वो पैसे को लेकर मनमुटाव हुआ है। और जब हम बात करेंगे अवधेश और चितरंजन के रिश्तों की, तो शुरुआती दौर में भी जाएंगे कि आखिर जब चितरंजन ने वहां काम शुरू किया था तो वहां उसको राकेश नाम के एक व्यक्ति से खतरा था, राकेश के नाम से धमकी दी गई थी। आखिर उस राकेश को किसने प्रोजेक्ट किया था, हम इसका भी खुलासा करेंगे। आपको एक बात बता दूं, वो राकेश आज तक लापता है, उसका पता नहीं चल पाया है। राकेश कहां है, कब गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, पुलिस के पास दर्जनों बार उसके परिजन गए लेकिन राकेश नहीं मिला। उसके बाद उसका भाई राजेश भी, राजेश की भी हत्या कर दी जाती है। दोनों भाइयों की हत्या की जाती है। कैसे कहां हत्या हुई हम खुलासा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं यह छुपाने वाली बात भी है कि दोनों एक दूसरे का राज छुपाते रहे, दोनों एक दूसरे का पाप छुपाते रहे और जब पैसों के बंटवारे को लेकर खेल शुरू हुआ तो दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई, जिसका खामियाजा आज अवधेश को भुगतना पड़ा, अवधेश के ऊपर गोलियां चल गई। हम अगले बार यह भी खुलासा करेंगे कि चितरंजन कुमार ने PLFI के चूहा को 5 लाख रुपए दिए थे, कैसे दिए थे, सारा खुलासा करेंगे। तान्या जी, बिल्कुल अभिषेक, पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से अवधेश कुमार पर लगातार ताबड़तोड़ गोली चली है काके रोड में, और उसके बाद फिर अब जो नाम नया सामने आया है चितरंजन कुमार, जिन जो अभी उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है कि आखिर उनका नाम किस संदर्भ में आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि चितरंजन कुमार राज्य में, अब झारखंड में काफी ज्यादा चर्चित हो चुका है यह नाम, और आगे हम आपको Live 7 इसी तरह से खुलासा करेगा कि आखिर चितरंजन कुमार है कौन और चितरंजन कुमार का पूरा इतिहास क्या है और वो कहां कहां और किस किस व्यवसाय में शामिल है।